नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोला शील शुक्ला आपके साथ, और अब वक्त हो चला है कि आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। तो बढ़ते खबरों की ओर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ा? कांग्रेस में उनके कद और पद का आकलन होने लगा। कभी कांग्रेस सिंधिया को गालियां देती तो कभी तारीफ के पुल बांधती। वहीं इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में औहदा तक बता डाला। देखिए हमारी रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन के महत्व के बारे में पार्टी के यूथ विंग से चर्चा के लिए एक बैठक का आयोजन किया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस के साथ रहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन अब वह बीजेपी में पिछड़ गए हैं। राहुल इतने पर ही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि सिंधिया मुख्यमंत्री बन गए होते अगर वह कांग्रेस के साथ होते, लेकिन सिंधिया बीजेपी में एक बैक वेंचर बनकर रह गए हैं। सिंधिया के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ काम करके संगठन को मजबूत करने का विकल्प था। मैंने उनसे कहा था एक दिन आप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर राहुल गांधी मेरे कांग्रेस में रहते हुए इतनी चिंता करते जितनी आज कर रहे हैं तो आज स्थिति कुछ और होती। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह से टकराव के बीच सिंधिया पिछले साल मार्च में भाजपा में शामिल हो गए थे। सिंधिया खेमे के 20 से अधिक विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। जिसके बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी, जिसके बाद से राहुल गांधी को सिंधिया की कमी सता रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। दिल्ली सरकार ने आज अपना पहला डिजिटल बजट पेश किया है। ये बजट दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने टैबलेट के जरिए दिल्ली का बजट पेश किया। इस बार का बजट देशभक्ति थीम पर आधारित है। इस बार बजट में युवाओं और दिल्ली वासियों के लिए क्या कुछ खास है, ये जानने के लिए आप हमारी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार ने इस बार 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो अब तक दिल्ली का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। इसमें शिक्षा के लिए 16,377 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 9,934 करोड़ रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 9,394 करोड़ रुपए, झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए फ्लैट्स बनाने को 5,328 करोड़ रुपए और अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए 1,550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए बजट दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में है। इसमें महामारी के मौजूदा दौर में दिल्ली के विकास का खाका पेश किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस बजट में आने वाले 25 सालों के विकास की आधारशिला रखी जा रही है। इस बजट की सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली सरकार देश की पहली टीचर्स यूनिवर्सिटी खोलेगी, जहां देश और दुनिया के लिए बेहतरीन शिक्षक तैयार किए जाएंगे। सरकार नया एजुकेशन बोर्ड बनाएगी, और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए बताया कि दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा हर व्यक्ति का ऑनलाइन हेल्थ डेटा तैयार किया जाएगा, इससे हर परिवार की बीमारी का रिकॉर्ड डॉक्टरों के पास रह सकेगा। दिल्ली के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 9,934 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का 14% है। आगे मनीष सिसोदिया ने अपने बजट भाषण में बताया कि दिल्ली में हर रोज 45,000 कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। जल्द ही ये क्षमता 60,000 तक पहुंच जाएगी। दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन आगे भी मुफ्त मिलती रहेगी।
इसके अलावा महिलाओं को लेकर भी मंत्री सिसोदिया ने अहम बातें की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में महिलाओं को अक्सर ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से वो कई बार गंभीर बीमारियों के साथ जीने को नियति मान लेती हैं। हम इस बार के बजट में ऐसा प्रावधान कर रहे हैं कि महिलाओं को उनके आसपास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बांग्लादेश के रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। यह सेतु त्रिपुरा राज्य की फेनी नदी पर बना है। फेनी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच रहने वाली एक नदी है जिस पर बना मैत्री पुल दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों को प्रदर्शित करता है। पश्चिम बंगाल से सटे त्रिपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा की फेन नदी पर बने मैत्री पुल सहित 9 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान मैंने और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मिलकर त्रिपुरा को बांग्लादेश से सीधे जोड़ने वाले ब्रिज का शिलान्यास किया था और आज इसका लोकार्पण किया गया है। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा में ढांचागत परियोजनाओं को भी शुरू किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच की कनेक्टिविटी काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अलावा व्यापार के लिए यह पुल अहम भूमिका निभाएगा। फेनी नदी पर बना मैत्री सेतु दक्षिण त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। 1.9 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 2017 में शुरू किया गया था। इसका निर्माण 2 सालों में होना था लेकिन कोरोना के कारण इसमें विलंब हुआ। इसके लिए बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह जाना सुगम और आसान होगा। मैत्री सेतु दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों को प्रदर्शित करेगा। इसका निर्माण नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है जिसकी कीमत करीब 133 करोड़ आई है। यह ब्रिज भारत में त्रिपुरा राज्य के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। ये पुल दोनों देशों के बीच के व्यापारिक संबंधों और लोगों के आवागमन को सरल करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाएगा। वहीं ममता सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है, आपने पड़ोस में ही गरीबों, किसानों, बेटियों को सशक्त करने वाली योजनाएं या तो लागू नहीं की या बहुत धीमी गति से चल रही हैं। डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा असर गरीबों को पक्के घर देने में दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा का ट्रेड वॉल्यूम तो बढ़ा है, साथ ही राज्य में होने वाले निर्यात भी करीब करीब 5 गुना तक बढ़ गया है। त्रिपुरा के विकास के लिए केंद्र सरकार ने हर आवश्यकता का ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि त्रिपुरा की कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते 3 साल में तेजी से सुधार हुआ है। एयरपोर्ट का काम हो या समुद्र के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ने का काम या रेल लिंक, इन सब में तेजी से काम किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी इस पुल से कनेक्टिविटी तेज होगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। मुकेश अंबानी के घर यानी कि एंटीलिया मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। अब इस मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। फडणवीस ने सचिन वांझे की गिरफ्तारी की मांग की है और क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक लदी कार के मामले में मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी सचिन वांझे ही सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वांझे की गिरफ्तारी की मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा में फडणवीस ने दावा किया कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक कार घटना से पहले 4 महीने तक वांझे के पास थी। बता दें कि गाड़ी के मालिक हिरेन मनसुख पिछले दिनों मृत पाए गए थे। इसके अलावा
मनसुख हिरेन की पत्नी के बयान को दोहराते हुए फडणवीस ने कहा कि जिस संदिग्ध कार में जिलेटिन की छड़े मिली थी वो 4 महीने से वाजे के कब्जे में थी, और वहीं सचिन वाजे मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार मामले की जांच कर रहे थे। लिए अब देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वाजे को गिरफ्तार करने की मांग की है। अब आपको इस पूरे मामले को फिर से बता दे, पिछले 25 फरवरी को अंबानी के घर के बाहर पार्क स्कॉर्पियो से विस्फोटक सामग्री जिलेटिन की करीब 20 छड़े बरामद हुई थी। इसके अलावा कार से एक पत्र मिला था जिसमें अंबानी परिवार को धमकी दी गई थी। कुछ दिनों बाद स्कॉर्पियो के मालिक कश्यप बरामद हुआ, जिसकी पहचान मनसुख हिरेन के रूप में हुई थी। मनसुख कश्यप ठाणे के क्रीक में बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने कहा था कि कार 18 फरवरी को एरोली मुलुंड ब्रिज से चोरी हो गई थी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।